फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह, मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे और पॉजिटिव मूड में होंगे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेकर के आई हूँ, जो रीडिंग है कि क्या आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं करेंटली आपके लिए। ओके, आप किसी भी टॉपिक का डिमांड करना चाहते हो जिस पर मैं, आप चाहते हो कि मैं एक जनरल रीडिंग बनाऊँ, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उस पर आपके लिए रीडिंग ज़रूर लाने की कोशिश करूँगी। इससे पहले कि हम अपने वीडियो को स्टार्ट करें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये रीडिंग हमारी जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो कोई रोना धोना नहीं, कोई टेंशन नहीं। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो जिसमें आपकी एनर्जीज रीड होती हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज रीड होती हैं, तो आप ऑफकोर्स मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो आई होप कि हमारी ये रीडिंग आपको पसंद आए एंड आपको अच्छा लगे। ओके, तो चलिए, यहाँ पे रखे हैं दो पाइल्स, दी व्हील एंड दी स्ट्रेंथ। तो आपको इन दो पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट करना है। बिल्कुल ध्यान से अपने पार्टनर के बारे में सोचें, उसके बाद इस पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप टाइम स्टैम्प्स भी देख सकते हो। ओके, और ये किसी भी व्यक्ति के लिए बनी है, लाइक एनी पर्सन, कोई भी पर्सन के बारे में आप सोच सकते हो, किसी भी पर्सन के बारे में आपको आपके माइंड में है तो आप सोच सकते हो। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, डिवोर्स्ड हो, क्या हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बस अपने पार्टनर के बारे में सोचना है और उनके क्या करेंट फीलिंग्स है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी द व्हील पाइल की, उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी स्ट्रेंथ पाइल की, जिसे मैं साइड कर देती हूँ। तो देखते हैं द व्हील पाइल पीपल के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ऑफ कोर्स जिसे मैं पाइल बनाती हूँ उसे मैं रीड नहीं करती हूँ, तो उसकी आप टेंशन ना लें कि मैम ने ये वाला कार्ड क्यों नहीं रीड किया। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं इस पे। ओके, तो आपका एक फॉलोअप कार्ड आया है जिसको मैं अभी जस्ट आपके सामने लेकर के आऊँगी। ओके, तो जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये दो कार्ड्स आपके फॉलोअप थे, मुझे लगा था एक है बट एक्चुअली ये दो हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में अभी बहुत ज़्यादा झगड़े वगड़े हुए होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे। ओके, या कॉन्फ्लिक्ट्स कमिंग टाइम में एक ग्राउंड बन चुका है, कॉन्फ्लिक्ट्स कमिंग टाइम में होने वाले हैं। ओके, अब देखिए, झगड़े का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आपने उस पर्सन पे चिल्लाया, वो पर्सन आप पे चिल्लाया, तो उसको आप झगड़ा कहोगे। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट है, अगर आप लोग लाइक चुप हो, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पा रहे हो, मान नहीं रहे हो, वो भी एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ही है। तो एक टर्म में बस बोलना कि आपका झगड़ा हो रहा है, इसको आप ऐसे ना लें कि हाँ इस पर्सन ने चिल्लाया तो ही झगड़ा हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूँ। भाई, अगर आप किसी से एग्री नहीं कर रहे हो, आप नहीं बोल रहे हो, तो वो भी कॉन्फ्लिक्ट ही है ना। अगर आप उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ही है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो एक सोशल लाइफ बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, जैसे उनके दोस्त हो गए, उनकी फैमिली हो गई, तो उस पूरे सिचुएशन में दिस पर्सन इज लाइक इंजॉइंग। हो सकता है ये पर्सन किसी ड्रिंकिंग टाइप के पार्टीज और इन सारी चीज़ों में भी जाता हो, रेगुलरली या ओकेजनली ड्रिंक करने में भी बिलीव करता हो, तो कुछ इस टाइप की चीज़ें उनके लाइफ में चल सकती हैं। एट द सेम टाइम जब रिलेशनशिप पे बातें आती हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में अभी बर्डन की एनर्जी नजर आ रही है। अब ये जो बर्डन की एनर्जी है, या तो आपके कमिंग टाइम में आएगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसीलिए बहुत सारे लोगों के लिए ये आने वाले समय में भी आ सकती है, और बहुत सारे लोगों के साथ चल भी रही होगी। एंड कुछ लोग होंगे जो कुछ ऐसे सिचुएशंस उनके रिलेशनशिप में अराइज कर गए होंगे, जिसके वजह से अभी बर्डनिंग लग रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं अपनी जो थिंकिंग है वो ऐसे चल रही है कि भाई मुझे लाइक अभी पीस ऑफ माइंड चाहिए। ओके, मुझे इस पूरे सिचुएशन में शांति चाहिए। ओके, द हैंगमैन, तो मुझे नहीं लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स कर रहा है, बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, या अगर आप साथ में भी रहते हो तो जो मेजर चीज़ें हैं जिस पे बात होनी चाहिए उस पे कोई बात हो रही है, कहीं ना कहीं बैलेंस बना हुआ है। आप इस
पर्सन के प्रेजेंस को जानते हो। ओके तो देखिए अभी एक सिचुएशन यहाँ पे ये भी बनता है कि वो आपको लुक फॉरवर्ड तो कर रहे हैं और वो जानते हैं कि आप इस सिचुएशन में हो, आप इस पर्सन को पसंद करते हो, आप इस पर्सन पे आंख बंद करके यकीन करते हो, मगर कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज उनकी कुछ पर्सनल मजबूरियाँ भी हैं, पर्सनल चीज़ें भी हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ये सोच रहे हैं कि भाई मैं शांति से बैठ के देखती हूँ या देखता हूँ एंड सामने वाले का रिस्पॉन्स क्या आएगा, बिकॉज बहुत पास्ट में ना बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में इतनी हैपेजर्ड हो गई होंगी, क्योंकि फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्या करेगा, चीज़ों को हैपेजर्ड करेगा, आपस में ब्लेम गेम कराएगा, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। ओके तो उस चीज़ की वजह से ना बहुत बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा। ओके तो ये वाली चीज़ हो गई। अभी यहाँ पे कुछ लोगों के केस में इन्फ्लुएंस की भी एनर्जी बनती है, कोई ऐसा पर्सन आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है जो कि बहुत इनके लाइफ में वैल्यू रखता है। ओके इट कैन बी एनी पर्सन, ओके मैं किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, इट कैन बी एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है। ओके तो दैट इज़ वन थिंग, अगर आपके लिए करंट फीलिंग्स देखते हो तो कहीं ना कहीं कि मुझे इस पर्सन के अंदर कोई बोलने की शक्ति नहीं नज़र आ रही है, हाँ ये पर्सन बोलेंगे नहीं या बोलेंगी नहीं, तो कभी झगड़े होंगे वहां पे आप इनको सुन सकते हो बोलते हुए, उन सारी चीजों में आप सुन सकते हो कि इस पर्सन को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। बट अपेरेंटली अगर आप ये सोच रहे हो कि एक शांति से पीसफुल डिस्कशन हो जाए तो कहीं ना कहीं पीसफुल डिस्कशन को ये पर्सन इग्नोर कर रहा है। ओके ओके तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इग्नोर कर रहा है चीजों को, लाइक नहीं देख रहा है या नहीं कन्फ्रंट करने के लिए रेडी है, ये सब कुछ एक सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रही है। बट आप ऐसा ना सोचे कि अभी इग्नोरेंस है इसका मतलब आगे भी इग्नोरेंस रहेगा, नहीं, एक बार जब पर्सन अपने उस जगह पे पहुंच जाता है या थोड़ा समय निकल जाता है तो एट टाइम्स लोग इस पे डिस्कशन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट अभी मुझे उनके करंट फीलिंग्स में आपके लिए कोई डिस्कशंस नहीं नज़र आ रहे हैं, या आप भी फॉर दैट मैटर आप भी अभी कोई डिस्कशन करने के मूड में नहीं हो, ऑल्दो आप चाहते ज़रूर हो बट कोई डिस्कशन करने के मूड में नहीं हो, तो उनके करंट फीलिंग्स में ये भी एक चीज़ चल रही है। कहीं भी मैंने ये नहीं कहा है कि ये पर्सन आपको पसंद नहीं करता है, आपको छोड़ के जाना चाहता है, भले ही आपके सिचुएशंस डिफिकल्ट हों, ओके कितनी भी प्रॉब्लम्स हों, मगर अभी मुझे कोई एंड या सेपरेशन की एनर्जी नहीं नज़र आ रही है। हो सकता है कि ओके तो मैंने आपको कहा कि मुझे कोई एंड और सेपरेशन की एनर्जी नहीं नज़र आ रही है, मगर ठीक है सॉरी, आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो ये बोल रहा है कि कुछ यहाँ पे जो लोग होंगे, ओके सम पीपल नॉट एवरी वन, वो ऑलरेडी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि लाइक बात नहीं हो रही है, चीज़ें दिन ब दिन ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं। ओके तो आप चाहते हो डिस्कशन करना लेकिन आप भी कोई डिस्कशन इनिशिएट नहीं कर रहे हो इस पूरे सिचुएशन में। ओके तो जैसे ही मैंने ये चीज़ बोली और टैरो ने बोला नहीं नहीं रुको, ये देखो ये भी चीज़ है, तो ये काफ़ी टेंशन का रीज़न बना हुआ। अब आपको लग रहा है कि टेंशन का रीज़न मैं हूँ, क्या है, दिस है, दैट है, तो वो एक फैक्टर हो गया। ओके मगर देखिए ये जितना आपके लिए टीडियस है उतना ही उनके लिए भी टीडियस है, तो आप दोनों के बीच में जो एनर्जी चल रही है वो थोड़ा, मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक मेजर पॉज की तरफ ले जा रही है, तो अगर आपका पॉज नहीं आया है ओके तो एटलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स बंद कर दीजिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही नहीं तो आप इस सिचुएशन पे जाओगे ही नहीं, या ये सिचुएशन थोड़ा टलने के सिचुएशन में चला जाएगा। इतना जितना स्ट्रेस आप ले रहे हो स्ट्रेस को थोड़ा रिलीज करने की कोशिश कीजिए, इतने स्ट्रेस में किसी भी रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करेंगे तो वो रिलेशनशिप में अच्छी एनर्जीज कैसे दोगे आप, अगर आप खुद पॉजिटिव नहीं हो तो कैसे आप अच्छी एनर्जीज दोगे, आप इस चीज़ का इमेजिनेशन करो तो आपको पता चलेगा। ओके बहुत ओवर थिंकिंग रिग्रेट की फीलिंग, तो देखिए अगर इस पर्सन ने आपके साथ कुछ भी गलत किया है, कुछ भी ओके कुछ भी रॉन्ग किया है, तो इस पर्सन को उस चीज़ की रिग्रेट की फीलिंग ज़रूर होगी। ओके ये रियलाइज़ करेंगे खुद से कि भाई ये चीज़ मेरे से गलत हो गई है, और अगर आपने इनको पास्ट में हर्ट किया है जिसके वजह से आपको, या आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की हैं, तो वहाँ पे भी इनको लगेगा कि भाई मैंने इतना कुछ इमोशनल रखा इस पर्सन के साथ, मगर देखो इस पर्सन ने मुझे कितना ज़्यादा हर्ट किया। तो ट्राई कीजिए कि आप इस पर्सन को ना हर्ट करें, एंड एट द सेम टाइम ट्राई कीजिए कि आप भी इस पर्सन से हर्ट
हद से ज्यादा ना हो. ओके, तो ऐसा प्यार करना जरूरी है जिसमें आपका दी सेल्फ जो है वो खुश रह सके. ओके, इतने टेंशन में रह के नहीं जीना है. ओके, उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि इस ये जो पूरा सिचुएशन हो रहा है उसमें आप कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं हो, वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है. तो अगर दोनों साइड से स्ट्रांग एनर्जीज रहेंगी तो काफी मुश्किल हो जाएगा. तो आप दोनों को अपने अपने साइड से, आई एम नॉट सेइंग वन पर्सन को, आप दोनों को ही अपने अपने साइड से कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने के लिए रेडी रहना चाहिए. बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें अगर प्रॉपरली की जाए. अब भी देखिए, एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी है. तो कम्युनिकेशन में जहाँ भी लैक होता है वहाँ पर तो फिर वो तो वही बात है ना कि अगर आपने किसी को अपने अपने पर्सन से बात करनी बंद कर दी या वो बात करने बंद कर दिए, तो उसमें तो आप प्रॉब्लम्स को लाइक इनडायरेक्टली डायरेक्टली इनवाइट कर रहे हो. नोइंगली अननोइंगली आप इस प्रॉब्लम को इनवाइट कर रहे हो. ओके, या हो जा रही हैं चीज़ें इनवाइट ऑटोमेटिकली. तो इस बात का आप ख्याल रखोगे. ओके, आप इस चीज़ का ख्याल रखोगे, अपने रिलेशनशिप में ये नेगेटिविटी ना करें. ओके, ना रहने दें. तो दे हैव अ थिंग, ये देखिए एक पॉज लग सकता है बट एंड की एनर्जी पे नहीं जा रहा है. अब उन लोगों के लिए केस अलग है जो कि लाइक सेपरेशन में हैं, लाइक डिवोर्स ले रहे हैं, तो वहाँ की रीडिंग पूरी थोड़ी अलग हो जाएगी. बट हाँ, अगर कॉमनली आपका ये सिचुएशन चल रहा है कि अभी थोड़ा इन एंड आउट है, चीज़ें खराब हो रही हैं, तो वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों को संभाला जा सकता है. तो ये पर्सन आपके बारे में सोचता भी ज़रूर होगा. दिस पर्सन मस्ट बी थिंकिंग. ओके, एंड ये पर्सन आपके रिलेटेड अभी किसी से एडवाइसेज नहीं लेगा. अगर इन्फ्लुएंस की भी एनर्जी पे इसने कभी एक्ट किया होगा या इन्होंने कभी एक्ट इन्होंने कभी एक्ट की होंगी, तो उस सिचुएशन में भी इनको रियलाइज हो जाएगा कि मैंने क्या क्या गलतियां की हैं, क्या क्या मैंने सही किया है. ओके, तो एक सिचुएशन है जिसमें ये पर्सन को चीज़ें चलाना डिफिकल्ट लग रहा है, फिर भी ये पर्सन सोच सोच के आगे बढ़ रहा है, वेट कर रहा है. अब इनका भी आपको ये समझना होगा कि आपके पार्टनर की भी एनर्जी में मुझे कहीं भी खुशी नहीं नज़र आ रही है. ओके, कि ये पर्सन खुश है, किसी नए पर्सन को लुक फॉरवर्ड कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही है. नज़र आएगी, मैं बता दूंगी. फिर से अगर आपके कार्ड ने अचानक से बोल दिया कि रुको रुको ये वाला भी देख लो, तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी. बट अभी तक नहीं है, तो आगे जब तक हमारी रीडिंग पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक फिर क्या. ओके, तो हाँ, सोसाइटी वाइज ये पर्सन खुश रहने की कोशिश करेगा. बिकॉज ऑफ कोर्स ये पूरे दुनिया वालों को घूम घूम के नहीं दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं अपने ज़िंदगी से कितना हैरान परेशान हूँ, कितनी चीज़ें मेरी ख़राब हैं. नो, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं दिखाना चाहते हैं ये. तो वो एक फैक्टर है जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है. फिर अगर आप इस पूरे सिचुएशन में आगे बढ़ते हो तो आपको देखिए दो और चीज़ें क्या है, सक्सेस और एग्जिस्टेंस. तो जो लोग ये एक राइड है. ओके, ये एक डिफ़िकल्ट राइड है, एक पावरफुल राइड है. इस राइड से निकल के आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा. आपने जब भी अपने ज़िंदगी में सक्सेस पाया होगा पास्ट में, तो आप देखोगे जा करके कि हाँ, आपको उस सक्सेसफुल सिचुएशन में कहीं ना कहीं पावरफुल टाइप का महसूस होगा. तो इसको एग्जिस्टेंस में कन्वर्ट किया गया है. ओके, अगर आप इस पूरे डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आप दोनों हैंडल करने में सक्सेसफुल रहते हो, तो इसका एग्जिस्टेंस भी रहेगा, ज़रूर रहेगा. ओके, तो एक आज आपके बहुत सारे फॉलोआउट कार्ड्स आ रहे हैं एंड टोटैलिटी. तो एक समय पे हम लोगों को चीज़ों को क्वेश्चन करना बंद करके और यकीन करना शुरू कर देना चाहिए. ओके, मे बी ये जो कम्युनिकेशन गैप आपका है ना, वो आपको परेशान करता है, आपके पार्टनर को परेशान करता है. बट ऐसा नहीं है कि मतलब ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें जितनी डिपेंडेंसी आपकी उस पर्सन पे है, उतनी ही डिपेंडेंसी मुझे उस पर्सन की भी आप पे नज़र आ रही है. ओके, वो बस चीज़ों को मैनेज करने में सक्सेसफुल है, आप भी उस तरीके से सक्सेसफुल हो. दुनिया में ऐसे बहुत गिने चुने लोग होंगे जिसको आपने अपना पेन बताया होगा. तो आप दोनों के बीच में ना समझो तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप की चीज़ क्रिएट हो गई है, जिसके वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं. क्योंकि मुझे ये पर्सन कहीं से भी गलत नहीं नज़र आ रहा है, या कुछ ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि भाई देखो ये तो इस तरीके की चालूगिरी कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं. ओके, जितना हर्ट आप हो इस सिचुएशन में, उतने ही हर्ट मुझे वो भी
नजर आ रहे हैं, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, इसको सही करने की कोशिश कीजिए। रिलेशनशिप में करेक्शंस लाने से रिलेशनशिप्स और बेहतर होते हैं, तो इस चीज़ को आपको याद रख के चलना होगा। और अगर आप डर रहे हो कि हमारा तो टार कार्ड आ गया, तो आपको मैं बस एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये तो जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए तो टार कार्ड नहीं फॉलो अप करेगा, किसी किसी के लिए करेगा, किसी किसी के लिए नहीं भी करेगा। किसी के लाइफ में आने वाला सिचुएशन भी टावर कार्ड हो सकता है, तो वहां से अपने आप को सेव करने की कोशिश कीजिए। ओके, अपनी रिलेशनशिप को सेव करने की कोशिश कीजिए। रिलेशनशिप आपका है तो आप ही दोनों को सेव करना पड़ेगा, वो भी डिफिकल्ट सिचुएशंस में है। ट्राई टू टॉक, ट्राई टू सॉर्ट आउट दी होल सिचुएशन। थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे ना तो सही हो सकता है। हाँ, जो लोग थोड़ा डिवोर्स वगैरह की प्रोसेस से जा रहे हैं, उनके लिए फिर पूरी अलग रीडिंग हो जाएगी, तो उसको मैंने कंटिन्यू नहीं किया है। मैंने जनरल रीडिंग जो होती है उसको कंटिन्यू कर दिया है आगे की तरफ। ओके, तो इस चीज़ को लाइक आप दोनों के रिलेशनशिप में एक और चीज़ आ गई है कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? जब रिश्ता है तो फ़र्क पड़ना चाहिए, और अगर नहीं रखना है तो फिर अलग बात है। फिर आप अपने सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दो, सेल्फ केयर पे ध्यान दो, और फिर आगे बढ़ो। लेकिन जब तक है और जब तक आप इसको रखना चाहते हो, तब तक हर दिन इसके बेटरमेंट के लिए, हर दिन इसके अच्छाई के लिए आप दोनों को मिलके स्ट्राइव करना होगा। आप दोनों को स्टेप्स बढ़ाने होंगे। एक पर्सन के स्टेप बढ़ाने से कुछ नहीं होता है, दोनों को कुछ कुछ करना चाहिए। हाँ, आप एफर्ट डालो, वेट करो कि सामने वाला भी रिवर्ट करे। रिवर्ट ज़रूर करेंगे, जिस टाइप की एनर्जी है आप जब एफर्ट डालोगे तो सामने वाला रिवर्ट ज़रूर करेगा। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो याद रखिए कि पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ओके, और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं हमारी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी या नहीं, तो बिल्कुल आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, उसके लिए आप वरी ना हो, बिकॉज आज तक कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि किसी की प्राइवेसी के साथ किसी भी टाइप का खिलवाड़ हुआ हो, कभी भी नहीं, नेवर। ओके, अपने भी कुछ रूल्स होते हैं, अपने भी कुछ एथिक्स होते हैं। तो द व्हील पाइल पीपल, आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे। तो चलिए, जाने से पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो नमस्ते। ओके, तो स्ट्रेंथ पाइल पीपल, देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज आती हैं, क्या चीज़ें आती हैं, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, तो आज हैंगमैन बहुत आ रहा है, हमारे पहले पाइल में भी आया और इस पाइल में भी आया। ओके, तो देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो ऑफ कोर्स आप लोगों के रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टी तो होगी ही, होपलेसनेस है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो अगर आप देखते हो ना, तो ये पर्सन आपके बारे में सोचने से ज़्यादा आपको रियलाइज़ होगा कि खुद ही एक नेगेटिविटी में है। ओके, खुद ही मेंटली एक नेगेटिविटी में है, कि इनके माइंड में एक ये खुद ही एक नेगेटिविटी में है। भाई, आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो उस चीज़ को देख लो। ओके, मतलब आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि मैं जा किस डायरेक्शन में रहा हूँ। कभी कभी हमें अपने डायरेक्शन को रुक के चेक कर लेना चाहिए, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, या जा रही हूँ, नहीं जा रही हूँ। ओके, ओपन फाइट, दुनिया वालों के सामने लड़ाइयाँ, घर में लड़ाइयाँ, हर एक जगह लड़ाई, ये पर्सन क्लेश करेगा अभी। ओके, क्योंकि इनकी एनर्जी नेगेटिव हो गई है। कोई बात नहीं, एनर्जी फेड कर जाती है, ऐसा नहीं है कि वही एनर्जी के साथ पूरी ज़िंदगी एक पर्सन चलता है। ओके, तो लाइक हाँ, अभी आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, काफ़ी ओपन हो जाएंगी, काफ़ी दुनिया को विजिबल हो जाएंगी। तो इस चीज़ से थोड़ा बचा के रखें अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि एक बार चीज़ें बहुत, मतलब देखिए, वो उन लोगों को बताइए जो लोग सच में आपके लिए वरीड है, जो आपके लिए वरीड नहीं है उनको बताने का क्या फ़ायदा। ओके, एक बहुत ट्रू लव टाइप का सिचुएशन आप दोनों के बीच में होगा, और एक बहुत पैशनेट रिलेशनशिप पे भी ये चला होगा। बट अभी के सिचुएशन में समवेयर ये पर्सन अपने इनसे अपने पेन और अपने दुख को शेयर किया। ओके, अब ये पर्सन उस पेन को समझता भी है, लेकिन उस पेन का रिस्पॉन्स नहीं आपको दिखता, जो आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग है कि भाई मेरे पेन को अगर तुम समझ रहे हो या समझ रही हो तो इसका कुछ रिस्पॉन्स दिखा दो, मतलब कुछ बोल दो सामने से, कुछ ऐसी चीज़ें करो जिससे मुझे भी लगे कि हाँ, ये पर्सन को कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं अपने ही हालातों से मैसअप कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ते होंगे, आप लोगों की बात होती होगी, कम या ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हाँ, बात होती होगी, मैसेज या कॉल उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बट बात होती होगी।
समवेयर इग्नोरेंस है इस पर्सन का. इग्नोरेंस इसलिए भी है क्योंकि खुद को कंफर्ट जोन में रख के ये पर्सन ये नहीं रियलाइज कर रहे हैं कि आप कितने इम्पैक्टेड और इफेक्टेड हो रहे हो इस टाइप के रिस्पॉन्स से या इस टाइप की सिचुएशंस से. तो ये चीज़ इस पर्सन को रियलाइज नहीं हो रही है. बेटर टुमारो की संभावना आप लोगों के रिलेशनशिप में है, मगर उस बेटर टुमारो के लिए आप दोनों को बिलीव भी करना होगा. ओके इस बात की भी कुछ कुछ केसेस में लोग इस बात की भी एंगर निकालते हैं कि भाई जब मैंने तुम्हें ये चीज़ कहा था तो तुमने क्यों नहीं इस पे रिस्पॉन्स दिया था. देखिए आप लोगों का एक ऐसा सिचुएशन है जो बहुत ज़्यादा ट्रू लव पे है. हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट टाइप के रिलेशनशिप में हो. ओके वेट की एनर्जी भी है. ओके कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन भी है. बट एक चीज़ है कि यहाँ पे देखिए आप लोग मैरिज हो, आप दोनों की मैरिज हो चुकी हो या आप दोनों मैरिज करना चाहते हो, इसकी भी एनर्जी बनती है. आप दोनों बहुत ट्रैवल करते हो साथ में, या ये पर्सन किसी और ही जगह पे है, कहीं और पे ही ये रहते हैं, दूर रहते हैं. ओके या ऑलरेडी एक होम टाइप के सिचुएशन में है जहाँ से इनके लिए निकलना थोड़ा मुश्किल है. तो कहीं ना कहीं आप और इनमें डाउटफुल सिचुएशन आ जाता है. ऑफकोर्स जिस टाइप के पार्टनर से आप डील कर रहे हो समटाइम्स वो लोग थोड़े शकी टाइप के भी होते हैं. शक करना, बहुत सारी चीज़ों का हिसाब मांगना, मगर ठीक है आपको सही लगता है कि लाइक ठीक है हमारी बॉन्डिंग अच्छी है तो नॉट एनी इशू टाइप का सिचुएशन यहाँ पे मुझे नजर आता है. ओके ये आपको ऐसा लग सकता है. मैं ऐसा कुछ कह नहीं रही हूँ कि आपको क्या लगना चाहिए क्या नहीं, जो आपके कार्ड्स में मैंने आपको बताया है. ओके तो वो चीज़ है. तो अभी इस पर्सन को आप जिनकी बात बिल्कुल नहीं हो रही होगी वहाँ पे इस पर्सन के करंट एनर्जी में एक चीज़ है कि ये पर्सन उस बॉन्ड को इमेजिन कर रहा है जो आप लोगों के बीच में पास्ट में रहा है. वो अंडरस्टैंडिंग जो आप लोगों के बीच में पास्ट में रही होगी, काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी नाइस, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना. और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं. एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट जो आप दोनों के बीच में था वो काफ़ी अमेजिंग था, काफ़ी अच्छा था. ये रिलेशनशिप आप कह सकते हो कि एकदम मैरिज टाइप का रिलेशनशिप था. ओके मैरिज हो या ना हो, एकदम मैरिज टाइप का रिलेशनशिप था. आप इस पर्सन को अपना लाइफ पार्टनर मानते थे और ये पर्सन आपको अपना लाइफ पार्टनर मानता था. तो अब पास्ट की चीजें जा रही हैं, ठीक है. ये पर्सन कहीं ना कहीं उस बॉन्डिंग को, उस रिलेशनशिप को मिस कर रहा है. और जब ये पर्सन मिस करेंगे तो ये मन में बहुत सारे कैलकुलेशंस भी करेंगे, कौन सही था, कौन गलत था, कौन किसने क्या किया, किसने पीस बनाने की कोशिश की, किसने पीस बनाने की नहीं कोशिश की, कौन किसने क्लैरिटी रखा, किसने क्लैरिटी नहीं रखा. इतना सारा, इतनी सारी जो थिंकिंग किसी भी पर्सन के माइंड में चलेगी. और क्योंकि वो आपके पार्टनर की नेगेटिव एनर्जी चल रही है, ओके, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत एग्रेशन के फॉर्म में निकलेगा, लड़ाइयों के फॉर्म में निकलेगा और बहुत डिफरेंट वे से निकलेगा. तो आपको समझ आ रहा है, इसलिए मूवमेंट एकदम शार्प, तेज़ मूवमेंट नहीं होता. और जब भी तेज़ मूवमेंट होता है, जब भी अच्छे से बात होने लगती है, थोड़ी दूरी पे जाते जाते इस बॉन्डिंग में लड़ाई हो जाती है. तो ये तो खैर ये वाला प्रॉब्लम आपका धीरे 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 सॉर्ट आउट हो जाएगा. तो आप टेंशन ना लो क्योंकि एनर्जी फेड भी करेगी ना, ऐसा थोड़ी कि वही वाली एनर्जी रह जाएगी. और देखिए पॉजिटिव फॉर दैट मैटर, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इसी पर्सन से, जिस पर्सन के लिए वो रीडिंग सुन रहे हैं, उसी पर्सन से मैरिड भी हैं और उसी पर्सन से किड्स भी इस पर्सन के लाइफ में इन्वॉल्व हैं. अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मैरिड नहीं हैं या जो अलग अलग जगहों पे मैरिड हैं लेकिन किड्स भी इन्वॉल्व हैं, लाइक उनके बच्चे हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. इस टाइप का भी कोई सिचुएशन बनता है. और ना अब जो सिंगल सिंगल हैं जिनकी ना कभी शादी हुई है, तो उन दोनों के बीच में ये लोग बॉन्डिंग को काफ़ी प्लेफुल, जितना इनकी बॉन्डिंग पैशनेट हो सकती है उतनी ही प्लेफुल, एडवेंचरस और पॉजिटिव भी हो सकती है. तो तीन केस बनते हैं, तीनों मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं. ओके तो ये चीज है, ये पर्सन कहीं ना कहीं उस पॉजिटिविटी को मिस करता है, उस बॉन्डिंग को मिस करता है. आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप्स भी काफी स्ट्रांग होंगे. ओके चाहे और आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप्स भी काफ़ी स्ट्रांग होंगे. और अभी जो ये प्रॉब्लम्स थोड़े मोड़े चल रहे हैं उसकी वजह से आप दोनों काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी होंगे. ऑफ कोर्स थोड़ा मैनिपुलेटिव एनर्जी है इस पर्सन की, मैनिपुलेट करने में काफ़ी सक्सेसफुल है. मगर अभी देखिए इनके साथ और भी कई सारी मजबूरियां हैं. बहुत सारे लोगों के केस में अभी भी आपके पार्टनर अपने ड्रीम गोल तक नहीं पहुंच पाए हैं. लाइक उनके मन में एक प्लानिंग है
कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए हैं, फाइनेंशियली उनको उतना सिक्योर नहीं लगता है। कहीं ना कहीं किसी किसी के केस में ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने फैमिली पे, अपने सिचुएशंस के लिए डिपेंडेंट हैं या अपने फैमिली के मनी पे डिपेंडेंट है। अब जिनके पार्टनर्स वेल सेटल्ड हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनके पार्टनर्स दूर हैं, तो डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है, तो बॉन्डिंग पे कुछ भी लड़ाइयाँ होती हैं, तो फोन कट और अनब्लॉक ब्लॉक, यही वाला सिचुएशन। तो ये तो आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है, ब्लॉक होना, अनब्लॉक होना, तो ये वाली चीज़ है। और कहीं ना कहीं इसमें और लोगों का भी मुझे इन्वॉल्वमेंट नज़र आता है। किसी किसी के केस में ये भी पॉसिबल है कि कोई थर्ड पार्टी एनर्जी हो, बट किसी किसी के केस में, और थर्ड पार्टी एनर्जी का मतलब ये नहीं होता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वो दिस दैट फलाना चलाना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी हो सकता है, भाई बहन, आपके फैमिली मेम्बर्स, उनके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, वर्क की एनर्जी, अगर कोई पर्सन वर्कहोलिक है वो भी पॉसिबिलिटी है। तो बहुत पॉसिबिलिटी ये भी बनती है। बहुत टाइम्स पे लोगों को ये लग रहा होगा कि नहीं, मेरे आपके तो पार्टनर ने लाइक कोई थर्ड पार्टी एनर्जी में अच्छी खासी बॉन्डिंग कर ली है, तो ये ज़रूरी नहीं है, बट इस किसी किसी के लिए इसका स्कोप भी बनता है। ऑल दो रिलेशनशिप नहीं, फ्रेंडशिप टाइप का सिचुएशन बनता है, वो भी बस किसी किसी के लिए। इससे पहले कि आप लोग यहाँ पे दुखी हो जाओ और रोना शुरू करो, तो आप अपने केस और अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसको देख लें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर आप अपने रिश्ते को फैमिली के हिसाब से देखते हो, तो अगर आप फैमिली के पास ले जाना चाहते हो, या फैमिली के पास है आपका रिश्ता, जानते हो एक दूसरे को, फैमिलीज वाले जानते हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स भी आप लोगों के बीच में हो सकती हैं। अगर आप उनके फैमिली में हो, तो मे बी आपके आपको और उनके फैमिली मेम्बर्स को एक दूसरे से कुछ शिकायतें हों। अगर आप लाइक प्रपोजल रख रहे हो शादी का, तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स मानने को रेडी ना हो या मानने में समय लगाएं। अगर आप लोग वैसे से हो कि लाइक कोई फैमिली तक बात नहीं जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक पार्टनर के अंदर ये चीज़ है कि परिवार वाले कैसे मानेंगे, क्या करेंगे परिवार वाले। तो जो भी देखिए, ये जनरल रीडिंग है, इसलिए जो भी सर्कमस्टांसेस बनेंगे मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी, सब कुछ। किसी किसी के केस में ये पर्सन बहुत फ्लर्टियस हो सकता है, और क्योंकि कैरिज्मेटिक काइंड ऑफ पर्सन है, देखने में अच्छा दिखता है या दिखती हैं, पर्सनालिटी इस टाइप के लोगों की काफ़ी अच्छी होती है, तो कहीं ना कहीं दे अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग ऑटोमेटिकली इनके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो भी एक चीज़ है। रिलेशनशिप में क्लैरिटी की कमी मुझे नज़र आ रही है, तो क्लैरिटी की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ऑप्शंस जो हैं वो भी कम हैं, तो उस ऑप्शन को ये करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश कीजिए कि आप दोनों के बीच में चीज़ें आपस में बात करके सुलझें, ना कि चार लोगों को बता के और इन्वॉल्व करके सुलझें। क्योंकि जब आप दोनों आपस में इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो सब कुछ सही हो जाएगा। ऑफ कोर्स आप दोनों के बीच में आपके पार्टनर को वो लव, वो केयर, वो कंसर्न बहुत पसंद है जो उनको आपसे मिलता है, और वो इस पूरे सिचुएशन में, जबकि आपका सिचुएशन थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा है, तो वो उस चीज़ को सोचते भी होंगे। अगर आप ऐसे भी हो कि लाइक कोई अप एंड डाउन नहीं चल रहा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो आपके पार्टनर अपने लव के बारे में सोचेंगे ज़रूर। दे विल बी वेरी फोकस्ड टूवर्ड्स द लव दैट यू गिव देम। तो चलिए और भी कुछ कार्ड्स निकालते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं इस पर्सन के साइड से आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स नज़र आ रही हैं। थोड़ा अपने रिश्ते को बचा के रखें, द ड्रीम। तो ऑफ कोर्स इस पर्सन को आप काफ़ी ड्रीम्स में भी देखोगे, या वो आपको काफ़ी ड्रीम्स में भी देखेंगे। और देखिए, यही पर्सन आपका ड्रीम है, इसी पर्सन के साथ आप रहना चाहते हो, और वही सेम एनर्जी उनके साइड से भी होगी, वो भी आप ही के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में हार्मनी है। जैसे ही आप लोग साथ आओगे, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत है, हमेशा एक दूसरे की तरफ मूवमेंट की एनर्जी है। बट अपने रिश्ते को पॉलिटिक्स से बचा के रखें, उन लोगों से बचा के रखें जो दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा दाएं बाएं किस्म के हैं ना, उनसे तो अपने रिश्ते को पूरी तरीके से बचा के रखें। उनसे आप बोलें कि कृपया आप मेरे रिलेशनशिप से बाहर रहें, या उनके एडवाइजेज या ओपिनियंस को थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करें। ऐसे लोगों के ओपिनियंस लीजिए जो सच में आपको लाइक पसंद करते हैं, जो सच में आपका अच्छा चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते हैं, ना कि उन लोगों के जो पॉलिटिक्स करते हैं या जो मन में कुछ सोचते हैं, असलियत में कुछ चाहते हैं। इस टाइप के लोगों से वैसे भी पर्सनल लाइफ में थोड़ा बच के रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों से अगर आप अपने रिलेशनशिप को नहीं बचाते हो, तो ये कोई अच्छी बात है। अभी कोई बुरी चीज़ अगर आपके आजू बाजू में रहेगी, तो आप उससे बचाओगे ना अपने आप को, तो उस टाइप से ये पॉलिटिक्स वाले लोगों से भी बचें। और अपने रिलेशनशिप में भी
अपने पार्टनर के पॉलिटिक्स या खुद से की गई पॉलिटिक्स से भी बचने की कोशिश करें। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये एक जनरल रीडिंग थी और जनरल रीडिंग होने की वजह से ये चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। ओके, तो इस बात का ख्याल रखें और बहुत ज़्यादा टेंशन में ना रहें, बहुत ज़्यादा वरेड ना रहें कि हाँ ये क्या है क्या नहीं। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, एंड व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, तो टेंशन ना लें, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। ओके, तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से नहीं, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय एंड नमस्ते।